डॉक्टर अजय, क्या कांग्रेस अब वो सीट जो राहुल गांधी जिस पर बैठना चाहते हैं, आप लोग जिस पर राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, वो क्या नीतीश कुमार के लिए आप लोग खाली करने वाले हैं? देखिए दिग्विजय सिंह जी का यह व्यक्तिगत कुछ राय हो सकता है, हमने तो देखा भी नहीं है कि अभी क्या सुबह सुबह राय उन्होंने दी है जी। अब व्यक्तिगत राय को पार्टी का राय नहीं हम मानते। जहां तक बात एक नैरेटिव आप लोग बार बार चला रहे हैं, कांग्रेस की जो है इस पूरे प्रक्रिया में कमजोर कड़ी साबित हुई है जी। ऐसा नहीं है, आप लोगों को तथ्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। और ये कमल छाप मीडिया के कुछ अपनी व्यक्तिगत जो है ये एक नैरेटिव चल रहा है पूरे देश में। डॉक्टर अजय उपाध्याय, देखिए आपकी हार को हम समझ सकते हैं, आपकी परेशानी भी हम समझ सकते हैं, लेकिन आप उसको मीडिया पर क्यों मढ़ रहे हैं सर? नहीं, अगर आपकी सीटें कम हो गई है डॉक्टर अजय उपाध्याय, नैरेटिव नहीं नहीं नैरेटिव, आप लोग सीट जीत जाते तो नैरेटिव चेंज हो जाता ना डॉक्टर अजय उपाध्याय। विद्यानंद जी, विद्या जी जरा सुन लीजिए। अरे आपको सुनना भी, आपको भी तो सुनना चाहिए। जब सुन लीजिए दो मिनट, मैं तथ्य की बात कर रहा हूं, जो तथ्य रहा है। मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूं कि ये तथ्य है कि 70% जो ये 70 सीट हम लोगों को मिली है, यहाँ एनडीए का, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, बाकी मीडिया कर्मियों की बात कर रहा हूं, 70 जो सीट हम लोगों को मिली, इसमें एनडीए का शुरू से आज तक 95% स्ट्राइक रेट रहा। 2015 में जब आप, आंकड़ा है मेरे पास, मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े आप देख लेंगे, अपने दर्शकों से भी कहिए वो भी देखें और आप भी देखें कि किस तरह से जब 2015 में हम लोग लड़े थे तो यही एरिया था जिस एरिया से मतलब भाजपा को सबसे ज्यादा सीट मिली। अजय उपाध्याय जी, इसका मतलब ये हुआ कि अपना घर आप हार गए भले ही, लेकिन बीजेपी के घर को जीत लिया, इससे आप खुश हैं, ये आपके लिए खुशी की बात है? निश्चित निश्चित तौर पर चुनाव जो है, ये जो लड़ाई थी एक वैचारिक लड़ाई थी, एक नए परिवर्तन की लड़ाई थी।